सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए आईपीएल 2022 के 65वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई को 3 विकेट से हराते हुए आईपीएल 2022 के प्लेऑफ में जाने की अपनी उम्मीद जिंदा रखी है। बता दें कि हैदराबाद के लिए ये मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, जिसमें हैदराबाद ने जीत हासिल की है। तो चलिए जानते हैं हैदराबाद के लिए वो हीरो जिनके दम पर टीम ने आज शानदार जीत दर्ज की। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आज सबसे बड़ी हीरो राहुल त्रिपाठी रहे, जिन्होंने 76 रनों की पारी खेलते हुए अपनी टीम को बड़ा स्कोर लगाने में योगदान दिया। राहुल त्रिपाठी ने आज 44 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौके और 3 छक्के लगाए। उन्होंने पहला विकेट गिरने के बाद हैदराबाद की टीम की बल्लेबाजी संभालते हुए तेजी से रन लगाए और युवा प्रियम गर्ग के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 78 रनों की साझेदारी की। राहुल त्रिपाठी इस सीजन कमाल की फॉर्म में दिखाई दिए हैं, जो उन्होंने आज इस मुकाबले में भी करके दिखाया है। इस मैच में हैदराबाद के लिए दूसरे हीरो तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार रही हैं। भुवनेश्वर कुमार ने आज 4 ओवर में 26 रन खर्चते हुए 1 विकेट हासिल की, लेकिन सबसे कमाल की बात ये रही कि भुवनेश्वर कुमार ने आज 19वां ओवर विकेट मेडन डालते हुए टीम को महत्वपूर्ण जीत दिलाने में योगदान दिया। भुवनेश्वर कुमार ने 19वें ओवर में 1 विकेट लेते ही पूरे ओवर में 1 भी रन नहीं दिया, जिसके चलते हैदराबाद ने ये मुकाबला 3 रनों से अपने नाम किया। इस मैच में हैदराबाद के लिए अगले हीरो तेज गेंदबाज उमरान मलिक हैं, जिन्होंने एक बार फिर से 3 विकेट अपने नाम करते हुए टीम को जीतने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उमरान मलिक ने 3 ओवर में 23 रन खर्चते हुए 3 विकेट अपने नाम की। हालांकि उमरान मलिक ने आज 2 नो बॉल और 3 वाइड फेंकी, जिसके चलते उनका पहला ओवर महंगा भी गया, लेकिन उमरान मलिक ने उसके बाद वापसी की और अपनी टीम को बड़े खिलाड़ियों का विकेट निकाल के दिया। युवा बल्लेबाज प्रियम गर्ग हैं, जिन्होंने 42 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को पहले विकेट के झटके से उबारा। प्रियम गर्ग इस सीजन में अपना पहला मुकाबला खेल रहे थे, बावजूद इसके उन्होंने त्रिपाठी के साथ मिलकर शानदार बल्लेबाजी की और अपनी टीम को जीत दिलाने में योगदान दिया। इस मैच में हैदराबाद के लिए जो आखिरी हीरो रहे हैं वो हैं निकोलस पूरन, जिन्होंने 38 रनों की शानदार पारी खेली। निकोलस पूरन ने आज 22 गेंदों का सामना करते हुए 38 रन लगाए, जहां उन्होंने 2 चौके और 3 छक्के भी जड़े। इतना ही नहीं बल्कि पूरन ने आज तीसरे विकेट के लिए त्रिपाठी के साथ मिलकर 76 रनों का योगदान दिया। उनकी इसी साझेदारी के चलते टीम आज 193 तक पहुँच पाई। तो ये थे हैदराबाद के वो 5 हीरो जिनके दम पर टीम ने आज बड़ी जीत हासिल की है और इस मैच को जीतने के साथ ही प्लेऑफ में जाने की अपनी उम्मीद जिंदा रखी है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।